वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। आधी कार आधा स्कूटर, जी हाँ, यह कोई विज्ञान गल्प नहीं बल्कि हकीकत है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने लैंड ग्लाइडर नाम के एक ऐसी कार का निर्माण किया है जो देखने में आधी कार और आधी स्कूटर की तरह दिखती है। विश्व की अग्रणी कार निर्माता कंपनी निसान के ऑटोमोबाइल इंजीनियरों ने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर लैंड ग्लाइडर को डिजाइन किया है। बिजली से चलने वाले लैंड ग्लाइडर में चार पहिए हैं, लेकिन दूसरी कारों की तुलना में इसकी चौड़ाई आधी है और इसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलने के लिए बनाया गया है। चुस्त दुरुस्त लैंड ग्लाइडर में ग्लाइडर जैसे एक केबिन बना है जिसमें दो सीटें लगी हुई है और इसकी गति 100 km/h है। लैंड ग्लाइडर में कंप्यूटर लगा है जो उसकी गति तथा स्टीयरिंग एंगल को नियंत्रित करेगा। इस व्हीकल के डिजाइनरों ने बताया कि लैंड ग्लाइडर में दुर्घटना रोकने के लिए विशेष टेक्निक लगाई गई है। यह टेक्निक पर्सनल सिटी कंप्यूटर की तरह लैंड ग्लाइडर को यह निर्देश देगी कि यह अड़चनों से दूर रहे। डायमेंशन की बात करो तो इस कार की लंबाई 3100 mm, चौड़ाई 1100 mm और ऊंचाई 1415 mm के साथ 2180 mm व्हील बेस के साथ आएगी यह कार। पावर की बात करो तो निसान के ग्लाइडर में दो मोटर दी गई है जो इनके चारों टायर को पावर पहुंचाती है। दोस्तों, ये जीरो एमिशन कार है और ये कार काफी छोटी होने के बावजूद भी इसमें दो डोर्स दिए गए हैं जो काफी कमाल की बात हो सकती है। दोस्तों, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है जिसमें जरा सा भी तेल खर्च नहीं होता है। ग्लाइडर को खास कर सिटी के लिए डिजाइन किया गया है। ग्लाइडर में एक्सटीरियर यानी बाहर से इसमें फ्लोविंग लाइन दी गई है जो हूबहू होंडा पीनट की याद दिलाता है। दोस्तों, निसान ने इस कार में खास टेक्निक का यूज किया है जिसकी मदद से इस कार को आप राइट या लेफ्ट मुड़ने से इसके दो टायर झुक जाते हैं, यानी इस कार में टिल्टिंग व्हील दिए गए हैं जो इस कार को राइट या लेफ्ट मुड़ने में मदद करता है। निसान की इस कार में स्टीयरिंग दूसरी कारों से काफी अलग बनाया गया है। डैशबोर्ड की बात करें तो इस कार में फुल डिस्प्ले वाला डैशबोर्ड दिया गया है जो आगे की पूरी साइड में टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको स्पीडोमीटर और भी दूसरे सारे फंक्शन आपको मिलते हैं। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस कार में सिर्फ दो सीट दी गई है जो सिर्फ एक ही लाइन में दी गई है और दोनों ही सीट काफी कंफर्टेबल दी गई है। निशान के प्रवक्ता ने बताया, हमारा लक्ष्य शहर में रहने वाले सभी उम्र के लोग हैं। इसे एक नए युग की शुरुआत होगी। ये अपने आप में नया क्रांतिकारी कार है जिससे भविष्य की शहरी गतिशीलता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, निसान की अपकमिंग ग्लाइडर कार आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।